भारतीय ईसाई मंच की मुंबई में हुई बैठक महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी का किया गया गठन। जी आपको बता दें कि भारतीय ईसाई मंच की बैठक मुंबई के गोराई क्षेत्र के प्रार्थना भवन में 8 दिसंबर को आयोजित किया गया। इस बैठक में महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया गया और नियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत सम्मान भी मंच के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा किया गया। भारतीय ईसाई मंच की केंद्रीय कमेटी के राष्ट्रीय प्रभारी एवं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सैमुअल मसीह की उपस्थिति में महाराष्ट्र में कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई, जिसमें महाराष्ट्र के संयोजक पैट्रिक क्रॉडिक्स, वरिष्ठ संयोजक प्रफुल्ल, संयोजक सुरेंद्र ढाका, मीडिया प्रभारी डेरैल, महामंत्री छाया वैताले, विभाग अध्यक्ष रामदास काकड़े, कोषाध्यक्ष रॉल्फ क्रॉडिक्स, प्रचारक सिस्टर सुशीला, प्रचारक राजेश रामदास, प्रचारक सिस्टर सुजाता युवा मोर्चा की नियुक्तियां शामिल हैं। आने वाले दिनों में मुंबई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। मुंबई में क्रिसमस पर होने वाले बड़े कार्यक्रम में आरएसएस एवं भाजपा के कई बड़े नेताओं का मार्गदर्शन भी भारतीय ईसाई मंच को मिलने वाला है। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे आदरणीय जो डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी के आशीर्वाद के द्वारा आज ये भारतीय ईसाई मंच महाराष्ट्र के इस प्रदेश के अंदर अपने कारण करने की बैठक को और उसमें पद देने के लिए उनके आशीर्वाद के द्वारा हम यहाँ पे आ पाए और काम कर पाए, और उम्मीद करते हैं कि जो आज पद उन्हें सौंपे गए हैं वो अपने समाज के लिए और भारत की सरकार के साथ मिलजुल करके आगे कदम से कदम बढ़ा के काम करेंगे। आम जो समाज के लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आज की कार्यकारिणी की बैठक को लेकर के? जी, मेरा ये संदेश है आपके चैनल के माध्यम से, मैं पहले आपको भी सभी को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से कि ये समाज के लिए, मैं सबसे पहले हमारे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो आज हमारे समाज के लिए संज्ञान क्या ले रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमारा मसीह समाज हमारे देश के अंदर आगे आए, और इस बात के लिए मैं हम इस दिल से मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, बीजेपी सरकार का धन्यवाद करता हूँ, हमारे डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी के तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस मंच के माध्यम से हमें मौका दिया कि हम अपने समाज को भारत में आगे लाएँ और एक अच्छा हिस्सेदारी बन के हम सरकार के साथ आगे बढ़ पाएँ। आने वाले दिनों में बीजेपी के कई बड़े नेता और आरएसएस के आपके कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं, उसके बारे में क्या कह रहे हैं? जी, उनका हमारे साथ आना ही हमारे लिए बड़ी एक खुशी की बात है कि उनका साथ मिलने से हमारा समाज और आगे बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी सी बातें समाज के अंदर आ जाती हैं फर्का फर्की को लेकर के, परंतु आज जबकि बीजेपी की सरकार मौजूदा में है और साथ में हमारे आरएसएस का जो बड़े लीडर्स हैं आज वो इस माध्यम से हमारे साथ खड़े हैं, तो मैं तो इस बात के लिए उन सभी का धन्यवाद करता हूं कि वो हमारा आज साथ दे रहे हैं। पैट्रिक जी, महाराष्ट्र की कार्यकारिणी आज गठन हो गई है, आने वाले दिनों में मुंबई को लेकर क्या चर्चाएं चल रही है? मुंबई के लिए बड़ा हमारा एक संगठन तैयार करना है ताकि इस संगठन को लेकर आगे बढ़ाना है, ताकि यही हमारी विचार है कि अच्छी रीति से हम कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाए। किस तरह से समाज को जोड़ने के लिए मुंबई में कार्यकारिणी तैयार की जाएगी, जरा उसकी रूपरेखा पर कुछ प्रकाश करें। समाज के अंदर मानवता का प्रेम होना चाहिए और एक दूसरे को भाईचारा होना चाहिए, ताकि हम मिलकर जब काम करते हैं तो यही देश की उन्नति है, विकास है, और सरकार के माध्यम के जरिए आज हमें एक ये साधन जब मिला है तो यहाँ से हमारी एक नई शुरुआत है। हम सभी को धन्यवाद देते हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को, इंद्र जी को, सभी को हम धन्यवाद देते ताकि उन्होंने हमें एक मौका नया दिया है। आने वाले दिनों में कुछ मुंबई में बड़े कार्यक्रम को लेकर तैयारी चल रही है, उसके बारे में कुछ कहना? हाँ, आने वाले दिनों में जो बड़ी बड़ी अभी जो सभा जो होने वाली है उसके तहत हम लोग सभी लोग, हमारी जो क्रिश्चियन एकता संघ जो है, सभी लोग हम लोग इकट्ठा होने वाले हैं और इस रीते से हम समाज के लिए अपनी ओर से जो एक नई दिशा दिखाने वाले हैं, ताकि हम एक दूसरे को मेल मिलाप कर सकें।